हे एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लेकर के आ गए हम फिर से न्यू रेसिपी के साथ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे टेस्टी एंड हेल्दी लौकी के पकौड़े। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी हैं। ये लौकी के पकौड़े शेयर करेंगे। जैसे ही आलू के पकौड़े बनते हैं उसी तरह से ये लौकी के पकौड़े बनते हैं, लेकिन बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा। उसके लिए लिया है मैंने ये लौकी लिया है। इसको कुछ लोग घिया भी बोलते हैं गाँव में। ये इसको मैंने बहुत ही पतली वाली लौकी ली है, बहुत ही सॉफ्ट लौकी है ये। इसके लिए लौकी के पकौड़े बनाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट लौकी चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड लौकी नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट और पतली लौकी चाहिए। उसको अच्छे से वॉश करके पील कर लेना है, मतलब छील लेना है अच्छे से। और ये जो लौकी के पकौड़े होते हैं बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि बच्चे वैसे तो लौकी तोरी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो बच्चे भी इसी के बहाने लौकी भी खा लेंगे और मतलब उनको अच्छा लगेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि लौकी के पकौड़े हैं, क्योंकि बच्चे वैसे तो बहुत नखरे करते हैं लौकी हरी सब्जी खाने में। इसके लिए इसको मैंने पील कर लिया है, इधर दोनों तरफ से इसको काट देंगे। और अब इसको क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको चाकू से ही पीस कर लीजिए, या फिर आप जो जिससे चिप्स काटते हैं उससे आप पतले पतले से चिप्स जिसके शेप में काट लीजिए। देखिए मैंने राउंड शेप में काटे हैं, ये मैंने चाकू से ही बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले काट लिए हैं। आप चाहें तो इसको जिससे चिप्स काटते हैं उससे काट सकते हैं, तो बहुत ही पतले पतले कट जाएंगे। अब आपको चाकू से दिक्कत हो रही, देखिए कितने अच्छे और पतले पतले एकदम से कट के रेडी हो गए हैं। क्योंकि इसको हमें बनाना है बेसन में डीप फ्राई करके बनाना है, तो इसको इतना पतला बनाना है कि जिससे कि हमारे जो अंदर तक लौकी अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी लौकी कच्ची ना रहे। इसके लिए इसको अच्छे से मतलब पतले पतले शेप में काट लेना है, जिस तरह से कभी आपने खाया हो, जैसे चिप्स का बनाते हैं ना, चिप्स उसका सॉरी बनाना का केला का, उसी शेप में इसको काट लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको साइड से, आप चाहें तो इसको वॉश आउट कर सकते हैं, मतलब बाद में भी, मैंने तो पहले ही किया था तो अब मैं दोबारा से नहीं करूँगी। आप चाहें तो बाद में भी इसको एक बार वॉश कर सकते हैं। अब हम बैटर तैयार करेंगे, मतलब उसका बैटर बनाएंगे। उसके लिए लिया है मैंने एक कटोरी लिया है बेसन। आप बेसन और इसमें चाहे आप तो ये मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जैसे नमक है, जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, काला नमक है, और थोड़ा सा जो ये मसाला पाउडर नहीं रहता है सब्जी मसाला, वो लिया है मैंने, भुना हुआ जीरा लिया था, थोड़ा हींग लिया था। ये सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे पकौड़े हैं और भी फूल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मतलब ऐड कुछ भी नहीं करना है इसको, इसी तरह से इसका वैटर भी एक ट्रिक के ही साथ लगाते हैं, क्योंकि बैटर अच्छा होगा तो पकौड़े अपने आप ही बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को अच्छे से मिलाते जाएंगे, क्योंकि एक बार में ऐड करना नहीं है सारा पानी। एक बार में ही यदि ऐड कर देंगे तो हो सकता है हमारा बैटर मतलब सही ना बने, और इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छा बैटर, एक स्मूथ बैटर तैयार करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि हमारा बैटर अभी रेडी हुआ है कि नहीं। देखिए इसको अच्छे से मतलब चलाएंगे, बहुत अच्छे से फेंटेंगे, जिसको फेंटना बोलता है, बहुत अच्छे से सारे बेसन को फेंट लेंगे। जितना ही बेसन आप फेंटेंगे उतने ही पकौड़े आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए इस तरह से हाथ से चलाते जाइएगा इसको अच्छे से, देखिए अपने आप ही शाइनिंग आने लगी है कि हमारा मतलब बेसन कितना अच्छा फिट के रेडी हो गया है। इसकी देखिए कितना अच्छा तैयार हो गया है बेसन हमारा। इस तरह से जब इसको लगाएंगे मतलब इसको टपकाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसन हमारा रेडी हुआ है कि नहीं। बेसन बिल्कुल हो गया है रेडी। अब इसमें जो मैंने ये पकौड़े लिए थे लौकी के जो पीस काटे थे उसको आपको डीप करके दिखाएं, देखिए कितने अच्छे से कोड हो गया है सारा, कोड जो लौकी का है सारा अच्छे से बेसन में कोड हो गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैटर तैयार हुआ है बिल्कुल परफेक्ट बैटर एकदम तैयार है। अब हमें कोई इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उधर मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल डालें, या फिर घी में तलें, या फिर मस्टर्ड ऑयल में तलें, किसी में भी तलें। और तेल को बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं होने दें, बिल्कुल हल्का गर्म होने के बाद गैस को ना बिल्कुल स्लो पे कर दें। देखिए हमारा जो तेल है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म हुआ है। अब इसमें वन बाय वन सारे हम पकौड़े डाल देंगे, मतलब उसके पीसेस हैं लौकी के वो डाल देंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, बनाना है। क्योंकि अगर हम बहुत हार्ड फ्लेम पे इनको तलेंगे तो ये अंदर से जो हमारी लौकी है वो रह जाएगी कच्ची, और अच्छे पकौड़े हमारे रेडी नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल स्लो ही रखना है।
इस तरह से सारे पकोड़े डाल देंगे और ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए, सॉस के साथ सर्व करिए, किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और अच्छे लगते हैं। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से देखिए इनको पलट देंगे, अच्छे से पलट देंगे, क्योंकि चलाते रहिएगा नहीं तो एक तरफ से भुन जाएंगे, पक जाएंगे और एक तरफ से सारे कच्चे रह जाएंगे। इनको अच्छे से चला चला के पका लीजिए, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनको ना स्लो गैस पे ही पकाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम तो इसमें लगता ही है। इसके लिए कोई इतना वो नहीं है, अच्छे से पका लीजिएगा। देखिए ब्राउन हल्के हल्के इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है, मतलब ब्राउन कलर में आने लगे हैं ये हमारे पकौड़े। और इनको हमें मतलब बस ब्राउनी शेप में करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये पकौड़े आप एक बार बनाइए तो बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे, इसी बहाने वो अच्छे से लौकी भी खा पाएंगे और कोई टेंशन भी नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे, मतलब देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, फूले भी कितने अच्छे से हैं। इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं पड़ा है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं पड़ी है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो। और बहुत अच्छे से फूल के रेडी हो गए हैं हमारे पकौड़े। अब हमने कर लिए हैं रेडी पकौड़े। अब दूसरा जो बैच है वो भी हम तल के कर लेंगे रेडी। इस तरह से देखिए दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है तलने के लिए। ये देखिए इस तरह से आप मतलब तल सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा देखिए हमारे लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल भी जैसा मैंने डाला था वैसे ये। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने क्या किया था, इसका जो बैटर है वो इतना अच्छा बनाया था स्मूदली, तो इसका बिल्कुल भी हमारा जो तेल है वो भी ख़राब नहीं हुआ है। और जो हमारे पकौड़े हैं वो भी फूल के बहुत अच्छे साइज में रेडी हुए हैं, बहुत अच्छे बने हैं पकौड़े हमारे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं हमारे पकौड़े, देखिए देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं पकौड़े, ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी हमारे। ये दूसरा बैच भी हो गया है रेडी, मैंने इसको तल करके कर लिया है रेडी। ये भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और जो इसकी लौकी है वो अंदर तक खूब बहुत अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं किया था, बिल्कुल लो पे ही रखा, तो लौकी भी अच्छे से अंदर तक की पक चुकी है। और इस खाने में भी लौकी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है बिल्कुल भी। और इसमें थोड़ा सा आप जब भी लौकी को काटेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा जो चाट पाउडर रहता है ना, चाट मसाला पाउडर, वो स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद डीप करेंगे उसमें बेसन में, तो और भी अच्छा उसका मतलब फ्लेवर आएगा, टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मैंने तो बच्चों के लिए बनाया था, मैंने बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। और कर लेंगे अपने डेकोरेट थाली। थाली में मैंने ये अपने जो पकौड़े तले थे उनको लगा लिया है। आप खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, मैंने तो केवल ये लिया है केचप, केचप के ही साथ सर्व करना है, क्योंकि बच्चे तो तीखी चटनी पसंद करते नहीं हैं, तो इसके लिए बस केचप से ही सर्व किया है। ये देखिए हमारी थाली हो गई है रेडी, बच्चे भी खाने के लिए बिल्कुल हो गए हैं रेडी। सो गाइज, अगर ये आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए ऊपर से थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का जो चाट मसाला था वो स्प्रिंकल कर दिया है, इससे हमारा टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, और भी इन्हेंस हो जाएगा। सो गाइज, थैंक यू वॉचिंग मी, थैंक यू।